हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन व प्रदेश इकाई के सहयोग से प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन सोलन के साधुपुल में स्थित विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय में किया गया। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला में देश भर के करीब 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ IPDA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बलवंत सिंह और स्वामी सेवानंद द्वारा द्विप्रज्वलित कर किया गया, जबकि समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. शशि धीमान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय समिति के अध्यक्ष रवि मेहता व IPDA के प्रदेश उपाध्यक्ष चमनलाल बंगा ने की। IPDA संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बलवंत सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश में पहला राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन सोलन के साधुपुल में स्थापित विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय में किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के अन्य विद्यालयों में भी संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंटरनेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो हिंदुस्तान की हमने एक एसोसिएशन बनाई है और ये एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा हेडक्वार्टर है उसका ही एक ये हिस्सा है। हिमाचल के अंदर पहली बार प्रयास किया है कि एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया है और मुख्य जो हमारा मंत्र था कि स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी के रूप में देखा जाए और इसी प्रकार इसके लिए प्रयास करके एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण किया जाए। हम सारे ही जो टीचर्स हैं, हम सारे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि जो चैलेंजेस हैं 21वीं सदी के, जो बच्चों को मुश्किलें आ रही हैं या आगे हिंदुस्तान किस दिशा में हमें ले जाना है, उसके हिसाब से हम पहले से ही तैयारी करके रखें और स्कूल्स को बेहतर बना सकें। विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय के अध्यक्ष रवि मेहता ने विद्यालय की ओर से संगोष्ठी में आए सभी अतिथियों से संस्था का स्वागत व आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारियों से सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित प्रतिभागियों को भी लाभ मिलेगा। साधुपुल में विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय में भारत का लघु रूप स्कूलों में दिखे, उसी थीम को लेकर के यह सेमिनार आयोजित हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक है, शिक्षार्थी है, प्रबंधक हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज के जो स्कूल्स हैं, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके सामने जो चैलेंजेज हैं और उनके सामने जो आने वाले समय का एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी है, उसके विभिन्न विषयों को हम उठाते हुए उस तरह के शोध पत्र पढ़े गए, उस तरह का एक यहाँ पर आज विचार विमर्श हुआ है और हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं कि भी स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी इस तरह के टॉपिक पर बहुत ही ज्ञानवर्धन आज के बहुत से प्रोफेसर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से यहां पर आए, उनका बड़ा मार्गदर्शन आज विद्यालय को मिला है। एक दिन चली इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हरियाणा से प्रोफेसर राकेश संधु, पंजाब से प्रोफेसर डॉक्टर मनजीत सिंह और डॉक्टर मनप्रीत कौर द्वारा तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता करते हुए शोधकर्ता द्वारा शोध पत्र भी पढ़े गए, जिसमें विद्यालय समाज का लघु रूप है, अध्यापकों की भूमिका, विद्यालय में प्रबंधन समितियों की भूमिका और अध्यापन का ग्रामीण परिवेश में कार्य करना इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जहां विद्यालय प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, वहीं मुख्य अतिथि द्वारा विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, सोलन।